इंडिया भी ऐसी मार्केट हो गई है कार कंपनीज के लिए कि यहाँ पे ये लोग कन्वर्टेबल कार लेके आ रहे हैं और वो भी बहुत ही सस्ते रेटों में। और जो ऐसी गाड़ियां होती है ना, इनको लेके कहीं भी घूमो बट बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए और बारिश नहीं होनी चाहिए, वरना ये बन जाएगा आपका स्विमिंग पूल। बट ये जो कार है ये कोई कंपनी की कार नहीं है, ये बनाई गई है स्टूडेंट के हाथों से। और जो स्टूडेंट है वो बड़े टेक्निकली और थोड़े से बचपन के अंदर इस कार को बनाया गया है। वो कैसे, आ जाओ चलो एक एक पॉइंट देखें। इसमें ये जो लोगो है ये रिट्रैक्टेबल है, रिट्रैक्ट हो जाता है। जैसे इग्निशन ऑफ होता है ये अंदर चले जाएगा और जैसे इग्निशन ऑन होगा ये बाहर की तरह आ जाएगा, जैसे कि रोल्स रॉयस के अंदर होता है। फिर शोबाजी के लिए स्टूडेंट्स ने ये एक लंबी कनेक्टिंग DRL यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर ऐड कर दी। फिर थोड़ी खूबसूरती के लिए ये वाले लिप्स ऐड किए गए, एक यहाँ पे है और एक है यहाँ पे। पेंट जो है वो इस गाड़ी का नहीं है, पेंट जो है उसको भी थोड़ा सा कस्टमाइज करके इस टाइप का ये पेंट लेके आए हैं, क्योंकि ये धूप के अंदर तो अच्छा लग रहा है और नाइट के अंदर ना ये ब्लैक हो जाएगा। और जब स्टूडेंट बनाए रहते तो थोड़े बहुत और टशन के लिए यहाँ पे साइड स्कर्ट भी ऐड कर दिए हैं इसमें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि इसकी ये रूफ होती है, इस रूफ को पूरा का पूरा ही काट दिया, इसको बना दिया परमानेंटली विदाउट रूफ। इसको कन्वर्टेबल भी नहीं बोल सकते, ये है ओपन रूफ कार, जो कि कुछ ऐसी सी दिखती है जैसे कि कोई फेरारी हो या फिर लैम्बोर्गिनी हो, जिसकी पूरी पूरी जो रूफ है ये फोल्ड होने के बाद में यहाँ आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने क्या सोचा कि भैया इसकी रूफ फाड़ देते हैं, थोड़ी अट्रैक्टिव लग जाएगी। इसके अंदर जो सीट कवर्स हैं रेड कलर के, इसको ऐड कर देते हैं तो थोड़ी सी और अट्रैक्टिव लग जाएगी। बट ये जो पिलर है इसको यहाँ से काटा गया, इसके ऊपर ये रबड़ का पार्ट ऐड किया गया, फिर ये वाला पिलर यहाँ से काट दिया, फिर इसके ऊपर रबड़ का पार्ट ऐड कर दिया, फिर ये जो हिस्सा होता है जो एक्चुअल गाड़ी में मिरर के अंदर से आता है, इसको छुपाने के लिए यहाँ पे लेदर का यूज किया। और एक छोटी सी प्यारी सी चीज दिखाऊंगा, वो है ये स्पॉइलर, ये भी ऐड किया गया इन लोगों की तरफ से। और फिर देखो ये जो स्कोडा है, इसकी ये जो अल्फाबेट है इसके पीछे लाइट जलती है तो काफी कूल लगता है। और ये स्कोडा एक्चुअल अपने प्रोडक्शन मॉडल के अंदर दे भी सकती है, पीछे से लाइन पिंस टाइपिंग वगैरह कर रखी है और एग्जॉस्ट को यहाँ पे मोड़ रखा है, बट इस एक्चुअल एग्जॉस्ट की यहाँ पे आवाज ही नहीं आती। आवाज आती है इसके बीच में से, यहाँ से अंदर बैठने के बाद ना ये जो इंटीरियर है ये वैसा ही है, इसके अंदर कुछ भी एड ऑन नहीं है, लेकिन इसका बस एक साउंड है ये, और ये जो साउंड है ये यहाँ से आ रहा है, ये देखो ये साउंड यहाँ से आ रहा है भाई, ये एग्जॉस्ट से नहीं है। एक बार जरा पीछे जाके देखोगे तो ये भी एक टेक्निक थी कि अगर स्टूडेंट्स को बनाना था ना तो उन्होंने ये वाली टेक्निक करी है जो हम अपने बचपन में किया करते थे। वो क्या होती है कि एक्चुअल मफलर को नहीं छेड़ते, वो कहाँ से छेड़ते हैं, कैट को। तो जो इसके सेंटर में यहाँ पे एक कैट लगी हुई है ना, उसको छेड़ा गया है, छेड़ा इन द सेंस क्या गया है कि उसका जो इनडायरेक्ट फ्लो होता है उसको फ्लो में बना दिया। अब यहाँ से आओ इस तरफ, एक बार इसको अगर थ्रॉटल देके देखते हैं, 2 3 2 1 स्टार्ट। कुछ ऐसा सा साउंड है, और इसको कैब्रियोलेट बोलते हैं, वो कैब्रियोलेट वो इसलिए क्योंकि जब कार का शेप ऐसा हो गया साउंड भी अच्छा होना चाहिए था। और अगर मैं उन स्टूडेंट्स के साथ होता ना तो कुछ मैं ऐड ऑन करता, जैसे कि यहाँ आ जाओ। अब क्या हुआ कि ये वाला जब पिलर काटा गया तो इसको जैसे मैं बंद करूंगा ना तो यहाँ से हिलेगा, तो इस पिलर का कोई सपोर्ट नहीं है। इस पिलर का सपोर्ट यहाँ से लगाते हैं किससे, रोल गेज से, रोल गेज से ये वाले पिलर के सपोर्ट यहाँ तक जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनने वाली थी अगर यहाँ से एक छोटा सा रोल गेज भी उठ के यहाँ तक आ जाता, क्योंकि विंडो का तो कोई रोल ही नहीं था, या फिर अगर विंडो हम अब भी कर दें तब भी कोई रोल नहीं है, जैसे कि ऐसा। तो विंडोज तो इसके अंदर से निकाल दिए हैं, क्योंकि ये जो इसका एक्चुअल शेप दिख रहा है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बनाने के लिए ना यहाँ पे हम यूज़ कर सकते थे फोल्डेबल क्लॉथ, या फिर वो फैब्रिक होता है ना जिसके ऊपर ही पाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, लेकिन वो वाटरप्रूफ नहीं होगा, और डोंट वरी, लेकिन ये होगा कि कम से कम बारिश है या कुछ भी है तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसके यहाँ पे लग सकते थे कब्जे, ठीक है। ये खुल सकता था, ये बंद भी हो सकता था, क्योंकि इसके नीचे स्पेस है। अगर इसको यहाँ से एक बारी इसके बूट खोल के देखें तो स्पेस भर भर के है नीचे, तो स्पेस की कमी नहीं थी। तो ये क्या होती है, ये बूट सेपरेट हो जाती, ये वाला हिस्सा सेपरेट हो जाता, इसके अंदर वो वाला मैकेनिज्म आ जाता और उसके ऊपर लग जाता वो वाला फैब्रिक। तो ये जो कार है ये सिर्फ एक R&D का प्रोसेस है। इसके अंदर से कुछ चीज़ें जैसे कि वो मैंने बताया कि लोगों के पीछे जो लाइट जल रही है वो हो सकता है कि स्कोडा की गाड़ियों में आ जाए, लेकिन यहाँ पे एक कार खड़ी हुई है ना तो भाई इसका वीडियो बना के आप लोगों को तो दिखाना ज़रूरी था। बाकी जो गाड़ी है अभी भी अच्छी लग रही है, अगर ऐसी भी आप बना सकते हो मॉडिफाई करके तो भी ठीक है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, लेकिन जितना था वो मैंने बता दिया। तो जी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमसे जुड़े रहे, और हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाय बाय।